कि उसने क्या किया, अब पानी उसने क्या किया कि उसने देखा कि पानी साफ हो गया, उसने क्या किया उस पानी को दूसरे उसमें डाल लिया ग्लास में। तो दूसरे जब उसमें ग्लास में डाल लिया तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को लिख लो, डिकेंटेशन कहते हैं। फिर क्या किया उसने, अपनी जेब से जो फिल्टर पेपर रखा हुआ था उस फिल्टर पेपर को लिया, एक पुंगी जैसी बनाई, जैसे बनाते हैं जब क्या चने वगैरह के लिए बनाते हैं, उस टाइप की बनाई और बना के उसमें क्या, उसमें से पानी डालना शुरू किया और बढ़िया पानी नीचे आ गया, ठीक है, साफ पानी उसने अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद अशरफ आता है और आके देखता है ये पानी कहाँ से आया, वो तो वही नाले वाला ही तो है, वो तो नाले वाला बेवकूफ़ बना रहा मुझे, तू सही से बता कहाँ से लेके आया पानी, वो तो मैंने तो पहले ही कहा था नाले का पानी पी ले, तो कहता तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, सही से बता कहाँ से आया, बोलते ऐसे ऐसे होता है। उसके माइंड में बात आती है कि अच्छा फिल्टर पेपर से, मतलब पेपर से इसने करके ऐसे बनाया, उसने देखा ऐसे ये पेपर था, पेपर को मैंने ऐसे करके ऐसे कर लिया। बेटा वो दौड़ के जाता है, वहाँ से एक पेपर उठा के ले आता है, पेपर उठा के लाता और नाले में से कहता इसने सिर्फ इतना पानी लिया, वो बाल्टी भर के पानी निकाल के लाता है और पूरा पानी उसमें डाल लेता है और गहराई से वो घंटों बैठा रहता है। बोलते ये साफ ही नहीं हो रहा, बोलता वो तेरी अटक है, मुझे नहीं पता यार, मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है, ठीक है। तो बेटा डिकेंटेशन लिख लो और लास्ट में जो फिल्टर पेपर के साथ लगाया था उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, वो भी लिख लो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन लिख लो कि साफ पानी को अलग करना होता ना, उसे डिकेंटेशन कहते हैं, जो सेडिमेंटेशन के बाद जो सेडिमेंटेशन के बाद हम डिकेंटेशन करेंगे, डिकेंटेशन वाला किया था और फिल्ट्रेशन और फिल्टर पेपर का यूज करके किया था अलग। अब गुजरते हुए अब उसको वो क्या बोलते हैं, जो अपना क्या है, एक है अपना धम्मू और एक कौन है अशरफ, उस पर नज़र रखने लग गया कि ये ऐसा कुछ कुछ करता है, किसी ना किसी तरीके जुगाड़ बना लेता है, मैं इस पर नज़र रखता हूँ क्या क्या करता है। वो देखते हुए जाता, पीछे छुप के देख रहा होता धम्मू की दीवार से पीछे, तो धम्मू सामने एक दुकान के सामने बैठा होता है, व्यापारी की दुकान के सामने, जो क्या है पनीर बना रहा है। वो क्या करता है, दूध लेता है और दूध गर्म करने से पहले उसमें क्या करता है, उसमें नींबू निचोड़ देता है, क्या कर देता है उसमें नींबू निचोड़ देता है, नींबू निचोड़ दिया। अब नींबू निचोड़ने के बाद वो क्या करता है, उसे गर्म करने करके उसका पनीर बना के उसमें से क्या करता है कि उसका जो सॉलिड फॉर्म है उसको अलग कर देता है और लिक्विड फॉर्म को अलग कर देता है, यानी कि जो सॉलिड बन गई है, सॉलिड देखी होगी पनीर काटने वाली बढ़िया तरीके से, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म अलग अलग कर दिया। वो देख रहा होता बड़ी देर से, देख रहा होता है, तो वो कहता है ये क्या कर रहा तू, बोलता है अब क्या किया तूने, तू तब से यहाँ बैठे बैठे देख रहा, मुझे तो देखा नहीं कुछ फायदा, बोलता तुझे नहीं पता मैंने क्या क्या सीख लिया, अभी ये काम आएगा, और ऐसे ही ऑब्जर्व किया कर, अरे तू ये वैज्ञानिक पना वाली बात मेरे सामने ना किया कर, मेरा मूड खराब होता, ठीक है। बोलता है चल ठीक है रहने दे, ठीक है। अब वो कहता है कि पास में ही ये जो व्यापारी है, अच्छा बेटा अभी मैंने तुम्हें बताया कि उसमें वो पनीर बनाया था, पनीर से उसने उसको अलग किया था, लिक्विड से सॉलिड को अलग किया था अलग, ये सारी की प्रोसेस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में ही आ रही है, बढ़िया समझ आ रहा है, कहानी के एक एक चीज़ अपना उसी से चल रही है। अब आगे चलते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है कि पास में जो गोदाम है नमक का, व्यापारी नमक लेके आता है और उसमें स्टोर करके रखता है, तो बोलता है कि मैं जा रहा नमक लेने, तो बोलता है कहाँ से नमक लाएगा, पैसे हैं तेरे पास, बोलता है ना मेरे पास पैसे, बोलते कहाँ है, बोलते एक बाल्टी पानी है मेरे पास, बोलते इसके बदले वो नमक दे देगा, बोलता हाँ दे देता है मुझे, क्या दे देता है दिखा मुझे, बोलता हाँ। वो अंदर जाता है, उधर से गुजरते उधर से निकलता है और उधर से कुछ नमक उठा के अपने उसमें पानी में डाल लेता और निकल आता बाहर। व्यापारी का उधर खड़ा होता है, व्यापारी के जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, सिक्योरिटी गार्ड कहता है रुको यहाँ पे, कहाँ से आ रहे हो, चेक कराओ, क्योंकि उसको शक हो रहा था कुछ दिन से नमक गायब हो रहा है, तो चेक करता है कि नमक तो है नहीं कहाँ, कोई पॉलिथीन नहीं है, पानी है, पानी में तो नमक दिख नहीं रहा, क्योंकि पानी में नमक क्या हो गया, घुल गया, रिजल्ट हो गया। अब वो नमक को घुला देख के उसके बाद वो बाहर आ जाता है और नमक को लेके बाहर आ जाता है। अशरफ कहता है कि नमक कहाँ है,
बताइए रहा, बोलता ये तो पानी है, तू तो कह रहा था पानी दे के नमक लाएगा, बोलता पानी भी ले आया नमक भी आ गया, बोलता नमक कहाँ है, कहाँ से नमक, इसमें तो घुल गया नमक, बोलता अब मैं क्या करूँगा, देखता जा तू। उसको रखता है आग पे, आग पे रखता है और उसको उबालना शुरू करता है, उबालना शुरू, जिससे क्या पानी भाप बन के उड़ जाता है बेटा, और नमक, नमक को क्या कर लेता है वो ले लेता, निकाल लेता है। तो अशरफ का माइंड घूम जाता है, और तेरा अच्छा तो मैं भी यही करता, अब मैं भी यही करता। तो अशरफ जाता है अंदर, उधर से गुजरता हुआ जाता है, गुजरता हुआ कि बेटा तुमने नमक चुराया, ये तो उल्लू है, तू तो उल्लू है, इतना सा नमक निकाल के लाया बस। वो जाता है वापस जाके क्या करता है, वो बाल्टी में नमक पे नमक, नमक पे नमक, नमक पे नमक भर लेता है बेटा, और घोलना शुरू, घोलना शुरू। अब वो घुले ही नहीं, अब वो घुले ही नहीं, वो फंस गया। अब सिक्योरिटी गार्ड कहता है इधर आ बेटा, इधर आ, क्या कर रहा था, देखा बाल्टी, वो मारना सिक्योरिटी गार्ड शुरू करता, कौन नहीं, और पकड़ के पुलिस के पास चल, तू पुलिस के पास चल, तू तू ही चुरा रहा था इतने दिन से नमक, अरे मैं नहीं था, वो तो दम्मू चुरा रहा था, चुरा रहा, चल चल तू, उसको पुलिस के पास ले जाते। अब वो नमक उधर ही, वो दो उसने बाल्टियाँ भर के रखी थी बेटा, दो बाल्टियाँ, जिनमें से एक बाल्टी लेके बाहर गया ही था उसके पास, वो एक बाल्टी में भी ज़्यादा नमक भर दिया था, तो बेटा वो डिजॉल्व तो हुआ ही नहीं था, रखा हुआ था। धम्मू गुजरता, धम्मू कहता है कि धम्मू वहाँ से आता है, धम्मू कहता है अरे इसमें नमक घुला ही नहीं है। धम्मू वहीं पर आग जला के बैठ जाता अंदर ही उधर, और आग गर्म करना शुरू कर देता उसको। गर्म करने से क्या होता है, जैसे ही गर्म होता है पानी, तो वो जो नमक उसमें बैठा हुआ था तली में, वो भी घुल जाता है, यानी गर्म करने से और घुल गया, और घुल जाता है। अब क्या है, वो लेके बाहर निकलता धम्मू बाल्टी लेके, तो सिक्योरिटी गार्ड कहता देखा तेरा नाम लिया था उसने, देखा, बोलता इसमें तो कुछ नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड कहता, बोलता जा, छोड़ दिया तुझे, ठीक है, चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हो जाता तो उसे नमक बाद में और निकाल लेता है वो। तो बेटा ये है कहानी, इसमें क्या है, कहानी से क्या सीख मिलती है बेटा, बेटा कहानी से सीख मिलती है कि धम्मू क्या करता था, धम्मू क्या करता था, धम्मू ने क्लासेस ली थी, कौन सी क्लासेस ली थी बेटा, बाबा लैब वाले की, ठीक है, यानी LST सर की क्लासेस ली थी बेटा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, सीख मिलती है, लालच बुरी बला है, ठीक है, ये सीख मिलती है, और साइंटिफिक एटीट्यूड हमेशा काम आता है।